हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Moto G34 5G फ़ोन है, तो Moto G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है, तो होम स्क्रीन लेआउट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं और लेआउट्स को अनलॉक करके कैसे होम स्क्रीन लेआउट्स को बदल सकते हैं अपने Moto G34 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि इस ऑप्शन के जरिए लेआउट्स को अनलॉक कैसे कर सकते हैं और अनलॉक करके कैसे आप लेआउट्स को बदल सकते हैं मोटो फोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कैसे करें और कैसे बदलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है, तो होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कैसे करें और कैसे बदलें, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास इसमें ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर आपको होम सेटिंग्स पे जाना होगा और होम सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप होम स्क्रीन लेआउट्स को अनलॉक कर सकते हैं और कैसे आप बदल सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन लेआउट को आप अनलॉक कैसे करेंगे और कैसे बदलेंगे। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देखते हैं। तो आपको इस पे जाना है लेआउट लॉकेट का ऑप्शन, जिसके जरिए होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर पाएंगे। सिंपली इसको ऑफ कर देंगे तो जो भी आपका होम स्क्रीन लेआउट है उसको आप अनलॉक कर सकते हैं और लेआउट्स को बदल सकते हैं Moto G34 5G फ़ोन में, और होम स्क्रीन लेआउट को भी अनलॉक कर सकते हैं। और ऑन करते हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, लेआउट्स को लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप लेआउट्स को बदल सकते हैं, होम स्क्रीन पर कर सकते हैं, आप डिफ्यूल्ट भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।